हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम अमित, आप मेरे चैनल देख रहे हो GTA गेमर्स मोड्स। तो एक बार फिर से आप लोगों का सभी का स्वागत है। यानी कि तीन दिन से, यानी कि चार के तीन दिन से, यानी कि वीडियो आपके पास नहीं आ पा रहे, सॉरी गाइस सभी लोगों को। तो आज हम लोग लेके आए आपके सामने यानी कि ओपन आई वी जो गेम की, यानी कि जो मैं बताऊँगा यानी कि GTA 5 और कुछ भी है, यानी कि GTA 4 है क्या, GTA सैन एंड्रियास तो डायरेक्टली हो जाती है, इसलिए उसको तो यानी कि ओपन आई वी की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो हम लोग यानी कि आज सीखने वाले ओपन आई वी। ठीक है, यानी कि ओपन आई वी कैसे इंस्टॉलेशन करें। मेरे को पता है यानी कि ये वीडियो पहले मेरे को डालनी चाहिए, तभी मैं क्यों डाल रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मेरे केस में क्या था, मैंने ओपन आई वी अंदर इंस्टॉलेशन किया हुआ था, यानी कि दो तीन दिन से आपको लोगों को वीडियो नहीं मिल रही थी, उसका भी एक रीज़न है, यानी कि मैंने कंप्यूटर फॉर्मेट मारा हुआ था और गेम को डाउनलोड किया। गेम को डाउनलोड करने के बाद यानी कि सब कुछ यानी कि इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, तो मैं आपको यानी कि एक एक चीज़ में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देने का, आपके कंप्यूटर में अंदर सिस्टम यानी कि नीचे के साइड आप लोग देखोगे तो इधर आ चुकी है EX फाइल। ठीक है, इसको सिंपली ओपन कीजिए और रन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे रन पे क्लिक करो तो इंग्लिश पे कंटिन्यू कीजिए, तभी इधर सेटअप होगा। आई एक्सेप्ट टू अग्री वाले जो फॉर्मेट उसको कीजिए और कंटिन्यू भी आपको जो भी जहाँ भी रखने का हो उधर आप लोग रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मेरे केस में मैंने डायरेक्ट सी ड्राइव में मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इंस्टॉलेशन अभी हो रहे हैं, इंस्टॉलेशन होने देते हैं। लेकिन सिंपल इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद आपको क्या करना है वो आपको मैं बता दूँ। इसकी डाउनलोडिंग आपको यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो सिंपली अभी बंद कर दे, क्लोज कर दे, यानी कि सिंपली आपके सामने यानी कि ओपन है भी इधर आ चुका है। तो सिंपल इसको ओपन कीजिए, डबल क्लिक करने के बाद जैसे कि ओपन हो जाए उसके बाद विंडोज़ पे क्लिक कीजिए। तो आपको इधर मांग रहा है कि भाई GTA 5 की गेम की मेन डायरेक्टरी लोकेट करने की है। ठीक है, आपको पता नहीं है, इधर को स्ट्रीमिंग लोग हो गए तो इधर से आप लोग यानी कि देखोगे प्रॉपर्टीज में जाओगे तो इधर आपको यानी कि बताएगा यानी कि भाई कहाँ है आपकी फाइल, क्या है, शुरू होगी, कुछ भी आपको नहीं बताएगा। ठीक है, तो सिंपल क्या करने का है आपको यानी कि स्ट्रीमिंग में हो गए तो जो भी ड्राइव में आप लोगों को लॉकेट आपको पूछेगा कि भाई कौन से ड्राइव में डालने के, तो मेरे जी ड्राइव में, तो जैसे कि मैं अभी जी ड्राइव को इधर लॉकेट करने वाला हूँ, तो ब्राउज़र कीजिए और जी वाले फोल्डर को GTA 5 में मर्ज कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि मेरे अंदर अंदर बहुत ही ज़्यादा ही है, तो मैंने यानी कि इधर GTA 5 को लॉकेट कर रहा हूँ और सिलेक्ट द फोल्डर, तो इधर नीचे के साइड आप लोगों को एक पॉपअप मिलेगा सक्सेसफुली GTA.exe वर्जन 1.0.2245.0 ओपन आएगी, यानी कि इंस्टॉलेशन हो चुका था, कंटिन्यू में आप लोग क्लिक कर दीजिए। आपको यानी कि ये पूछ रहा है कि भाई आपको बैकअप के लिए ओरिजिनल फाइल को यानी कि बैकअप करना चाहते हो तो बैकअप भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, जैसे कि मैं बैकअप करना नहीं चाहता हूँ तो कंटिन्यू में मैं क्लिक करूंगा। अभी कंटिन्यू हो रहा है, होने देते हैं। जैसे कि नीचे के एक सर्च की बता रहा है, यानी कि सर्च कर रहा है वो अपने हिसाब से। तो आपको क्या करने का सिंपल है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपके यानी कि गेम की मेन डायरेक्टरी उसको ओपन कीजिए, यानी कि आपका कोई भी फोन हो कुछ भी हो, यानी कि एक बार इसको यानी कि लॉकेट कर लीजिए कि भाई इतनी इतनी फाइल हमारे पास थी। ठीक है, यानी कि जो इधर लिखा होगा installationscript.vt वाले वो शायद नहीं हो सकती है आपके पास, यानी कि एक बार यानी कि ये फाइल आपको एक बार देख लेनी है। इधर आपको फोटो भी खींचना है तो खींच भी सकते हो। ठीक है, तो सिंपली अभी इसको बंद कर दें, यानी कि आपको ये इधर मोड्स वाला फोल्डर भी बनाने का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा बनाने का वो आपको मैं बता दूँ। सिंपली आपको टूल्स में आप लोगों को जाने का, क्लिक करने का, ASI मैनेजर पर आप लोगों को क्लिक करने का। इधर आपको जो भी यानी कि ASI लॉकर, OpenIV.ASI, ओपन कैमरा जो भी है उसको इंस्टॉलेशन करने का आपके गेम के मेन डायरेक्टरी में। ठीक है, मोड्स फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, जैसे कि हमारे केस में ये हो चुका है, यानी कि ये वाला मोड्स फोल्डर आपके साथ आ चुका है। ठीक है, जैसे कि ये वाले इधर आप लोगों को अंदर भी क्रिएट करने का, कैसे करने का वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो चलिए आपकी गेम की मेन डायरेक्टरी ओपन कीजिए, इधर आपको एक मोड्स वाला जो फोल्डर है वो आपको डिटेक्ट इधर हो चुका होगा। ठीक है, तो जैसे कि यानी कि अपडेट वाले जो फाइल है इधर के, ये वाले अपडेट .xml और DLCs वाले, जैसे कि इधर है, क्योंकि ये तो सारी फाइल इधर कॉपी पेस्ट हम लोग कर नहीं पाएंगे, यानी कि अराउंड यानी कि मेरे को लग रहा है कि भाई बहुत ही ज़्यादा ही बड़ी होगी। तो आपको सिंपली क्या करने का है, तो आपको यानी कि मैं रीनेम कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं अभी रीनेम कर रहा हूँ। आपको यानी कि मोड्स फोल्डर में जाने का है, एक इधर आपको फोल्डर बनने का है अपडेट के नाम पे। ठीक है, अपडेट इधर लिखोगे और क्लिक करने का है। ठीक है, तो जैसे कि नीचे की साइड फोल्डर जो ये वाला जो बना हुआ है वही फोल्डर आपको उस तरह मोड वाले फोल्डर में बनाने का है। ठीक है, तो इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा
यानी कि 4.32 GB यानी कि इधर है, तो सारे के सारे फोल्डर अब तो कॉपी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। X64 और DLCS packs, ठीक है। तो हम लोग यानी कि किधर है बना देते हैं, तो इधर जाएंगे X64 बनाएंगे, तो सिंपली आपको X64 बनाने का है, सिंपली अंदर जाएंगे, फिर से एक फोल्डर हम लोग क्रिएट करेंगे DLCS packs के द्वारा, तो DLCS packs हम लोग इधर लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इधर लिखने के बाद एंटर करेंगे, एंटर हो जाने के बाद आपकी जो भी यानी कि गारों की कार बाइक ट्रक जो भी आपका जो भी होगा DLCS पैक आगे इधर आपको कॉपी पेस्ट करने का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपली आपको यानी कि ये ध्यान रखने का मोड्स वाली फोल्डर में आपका सब कुछ डालना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे केस में अभी न्यू फोल्डर ही है, हम लोगों ने नहीं डाला हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को मैंने आगे बताया था फोल्डर का, तो इधर आप लोग देखोगे ओपन आई वी और ओपन डॉट ASI और ये वाला मोड्स वाला फोल्डर तीनों तीन आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तभी वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना, कमेंट नहीं किया तो कमेंट भी कर दिया, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दिया। बाय बाय फ्रेंड्स। एंड वी विल ग्रो इन नंबर।